गुड मॉर्निंग डियर चिल्ड्रन, वेलकम टू योर रिवियस क्लास. चिल्ड्रन, दिस इज़ माई सेकेंड वीडियो ऑफ चैप्टर 15 आर स्कूल. इन माई फर्स्ट वीडियो आई हैव आस्क सम क्वेश्चन रिलेटेड टू दिस चैप्टर. हैव यू रिमेंबर्ड ऑल दैट? येस, ओके. सो नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट द चैप्टर विथ रीडिंग इट. यू ऑल्सो ओपन your EVS book and read the chapter and understand the chapter with me, because of this is very interesting chapter, our school. इसमें हम अपने स्कूल के बारे में पढ़ेंगे. We go to school to learn many things. हम लोग अपने स्कूल क्यों जाते हैं? बहुत सारी बातें सीखने के लिए, बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें सीखने के लिए हम अपने स्कूल जाते हैं. वी लर्न टू रीड एंड राइट इन आर स्कूल. हम लोग अपने स्कूल में पढ़ने के लिए और लिखने के लिए, ये सारी चीज़ें सीखने के लिए स्कूल जाते हैं ना. और इसके अलावा बहुत सारी अच्छी बातें, मोरल वैल्यूज़, ये सारे चीज़ें हम अपने स्कूल में सीखते हैं. आर स्कूल हैज़ अ बिग बिल्डिंग, इट हैज़ मैनी क्लासरूम्स. हमारे स्कूल का बहुत ही बिग बिल्डिंग है और इसमें अंदर बहुत सारे क्लासरूम हैं. वी प्ले डिफरेंट गेम्स इन आर प्ले ग्राउंड. प्ले ग्राउंड इज़ अ प्लेस वेयर वी प्ले. हम लोग डिफरेंट डिफरेंट गेम्स प्ले करते हैं. वेयर? इन प्ले ग्राउंड. वी सिट एंड स्टडी इन आर क्लासरूम, इट इज क्लासरूम. हम लोग अपने क्लासरूम में बैठते हैं और स्टडी करते हैं. सभी बच्चे जो स्टूडेंट होते हैं अपने अपने क्लासरूम के अकॉर्डिंग अपने क्लास में एंटर करते हैं, बैठते हैं और जो उनकी टीचर्स उन्हें सिखाते हैं गुड मैनर्स रिलेटेड टू द चैप्टर्स, वो सारी चीज़ें सीखते हैं. सो वेयर वी सिट एंड स्टडी? इन क्लासरूम. वी सिट एंड स्टडी इन आर क्लासरूम. वी अटेंड द असेंबली एंड स्कूल फंक्शंस इन आर स्कूल हॉल. हम लोग अपने असेंबली या फिर अपने जो स्कूल का फंक्शन होता है वो कहाँ पर जा कर के अटेंड करते हैं? स्कूल हॉल. ओके, नेक्स्ट. वी रीड बुक्स इन आर स्कूल लाइब्रेरी. हम लोग अपने स्कूल लाइब्रेरी में जा कर के क्या करते हैं? रीड बुक्स, स्टोरी बुक्स, जो भी आपके लिए इंटरेस्टिंग बुक्स होती हैं वो हम लोग लाइब्रेरी में रीड करते हैं. ओके, लाइब्रेरी इज़ अ प्लेस वेयर वी रीड बुक्स. विच प्लेस इज दिस? आर्ट एंड क्राफ्ट रूम. आर्ट एंड क्राफ्ट रूम. वी लर्न टू ड्रॉ एंड पेंट इन आर आर्ट एंड क्राफ्ट रूम. हम लोग अपने आर्ट और क्राफ्ट रूम में ड्राइंग बनाते हैं, पेंटिंग करते हैं. ठीक है, दिस इज आर्ट एंड क्राफ्ट रूम. नेक्स्ट रूम. विच रूम इज दिस? कंप्यूटर रूम. वी लर्न अबाउट कंप्यूटर्स इन आर कंप्यूटर रूम. हम लोग अपने कंप्यूटर्स के बारे में, जो कंप्यूटर आजकल आप सभी बहुत यूज़ कर रहे होंगे अपने घरों में, ठीक है, तो ये आप अपने स्कूल में से कहाँ ये सारी चीज़ें सीखते हैं? कंप्यूटर रूम. नेक्स्ट रूम. वी बाई इटेबल्स फ्रॉम आर स्कूल कैंटीन. ठीक है, कुछ स्कूल में कैंटीन भी होते हैं जहाँ बच्चे टेबल्स, जो खाने पीने की चीज़ें हैं वो परचेस करते हैं और ईट करते हैं. सो दिस प्लेस इज़ कैंटीन. वी लर्न टू सिंग एंड डांस इन आर
म्यूज़िक एंड डांस रूम। हम लोग म्यूज़िक और डांस रूम में क्या करते हैं? डांस और म्यूज़िक सीखते हैं। ओके, इट इज़ म्यूज़िक एंड डांस रूम। आर स्कूल गार्डन हैज़ मैनी ब्यूटिफुल फ्लावर्स, विच प्लेस इज़ दिस? इट इज़ गार्डन। हमारे स्कूल में बहुत सारे ब्यूटीफुल फ्लावर्स हैं। ओके, तो ये सारे फ्लावर्स कहाँ पर होते हैं? गार्डन में। आर प्रिंसिपल सिट्स इन द प्रिंसिपल्स ऑफिस। ओके, दिस एरिया इज प्रिंसिपल्स ऑफिस। आर टीचर्स यूज द स्टाफ रूम इन देयर फ्री पीरियड्स। स्टाफ रूम ऐसा जगह होता है जहाँ पर हमारे जो टीचर्स हैं वो सिट करते हैं, बैठते हैं अपने फ्री पीरियड्स में। ओके, व्हेन वी आर हर्ट और फॉल सिक वी गो टू आर मेडिकल रूम। जब हम लोगों को चोट लग जाती है या बीमार होते हैं स्कूल में, तो फिर उसके लिए मेडिकल रूम भी बने होते हैं। और कहाँ जाते हैं? मेडिकल रूम में फॉर ट्रीटमेंट। ओके, सो चिल्ड्रन, डू यू नो, चिल्ड्रन, अपार्ट फ्रॉम टीचर्स एंड प्रिंसिपल्स देयर आर अदर पीपल हु वर्क्स इन आवर स्कूल। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो हमारे स्कूल में काम करते हैं। सिर्फ स्कूल में टीचर और प्रिंसिपल ही नहीं होते हैं, उसके अलावा और भी बहुत सारे लोग हैं जो वर्क करते हैं। हियर चिल्ड्रन देयर आर सम पिक्चर्स रिलेटेड टू स्कूल स्टाफ, ये दिए हुए हैं ना, इसमें से आपको फाइंड आउट करना है। हियर इज़ हेल्प बॉक्स, विच पिक्चर इज़ दिस, ये कौन से पिक्चर हैं, किसके पिक्चर हैं? ओके, सो फर्स्ट अभी हम लोगों ने पढ़ा, हियर प्रिंसिपल, ठीक है, सेकंड नर्स, नर्स हेल्प करती है ना जब हम हर्ट होते हैं या सिक होते हैं, तो नर्स हेल्प करती हैं। ओके, हियर गार्डनर, व्हाट गार्डनर्स डू, गार्डनर who looks after school garden and makes the school garden beautiful. हमारे school garden को beautiful रखने में help करते हैं gardener. Okay, teachers teach us. Bus driver, children, we have school bus driver who picks and drops the students into the school. Librarian क्या करते हैं? जब आप library में जाते हैं तो ये आपको allow करते हैं books, जो story books आप read करना चाहते हो वो आपको मानफू तरीके से कैसे read करना है वो सारी चीज़ें बताते भी हैं। Okay, here guard whose duty is to guard the school, ये जो गेट पर होते हैं। ओके, वी हैव क्लर्क इन स्कूल ऑफिस हु मैनेजेस एंड मेंटेन्स स्कूल रिकॉर्ड इन एन ऑर्गेनाइज्ड मैनर। वी हैव स्वीपर्स who cleans all the classroom and sweeps the compound. They keep our school neat and tidy. We also have peon in school office and whose duty is watch the clock and ring the bell. And in the intervals, the peon also carries notice book into different classroom. Next, helper who helps us when we have any trouble,
कोई भी प्रॉब्लम होती है तो हम अपने हेल्पर्स से हेल्प ले सकते हैं. ओके, सो चिल्ड्रेन, दीज आर द पीपल, ये जो हमारे स्कूल में वर्क करते हैं. ओके, और इनकी ड्यूटी भी बहुत इम्पॉर्टेंट होती है. सो चिल्ड्रेन, वी वॉन्ट सॉरी वी शुड ऑल्सो क्लीन आर स्कूल. ओके, सो वॉट स्टेप्स वी शुड फॉलो. वी शुड नॉट थ्रो अवे टॉफी रैपर्स एंड अदर वेस्ट ऑन द फ्लोर, बट वी शुड ऑलवेज थ्रो इट वेयर. हम लोगों को कहाँ थ्रो करना है? टॉफ़ी रैपर्स या किसी भी टाइप की चीज़ें हैं वो हम लोगों को अपने स्कूल के फ्लोर पर नहीं थ्रो करना है, बट उसे कहाँ थ्रो करना है? यस, इन डस्टबिन. सेकेंड, आफ्टर लंच वी शुड ऑलवेज क्लीन द टेबल एंड वाइल ड्रिंकिंग वाटर वी शुड नॉट स्प्लैश वाटर ऑन द फ्लोर और ऑन द टेबल. हम लोगों को लंच करने के बाद जहाँ भी आप लंच करते हो ना टेबल पर बैठ करके, तो उस एरिया को क्लीन करना है. ओके, और जब वाटर ड्रिंक करते हो तो वाटर को भी स्प्लैश नहीं करना है, इधर उधर स्प्लैश नहीं करना है. ओके, थर्ड पॉइंट, व्हाट वी हैव टू रिमेंबर, वी शुड कीप बुक्स ऑन प्रॉपर प्लेस एंड वी शुड पुट अ पेंसिल एंड इरेजर इनसाइड द पेंसिल बॉक्स आफ्टर यूजिंग देम. ठीक है, अपने बुक्स को और अपने जो नोटबुक्स हैं उन्हें प्रॉपर प्लेस पर रखना है, पेंसिल इरेजर शार्पनर ये सारी चीज़ें प्रॉपरली अपने पेंसिल बॉक्स में रखना है. फोर्थ, वी शुड ऑलवेज मेक श्योर नो बुक्स लेफ्ट आफ्टर क्लास इज ओवर. तो जैसे ही आपका क्लास ओवर होता है, स्कूल ऑफ होने की जो बेल रिंग होती है, तो आपको श्योर होना चाहिए कि आपके जो थिंग्स हैं, योर नोटबुक्स, बुक्स, पेंसिल, इरेजर, कोई भी चीज़ क्लास में लेफ्ट नहीं होनी चाहिए. ओके, सो चिल्ड्रेन, इन नेक्स्ट वीडियो वी विल डू क्वेश्चन आंसर रिलेटेड टू दिस चैप्टर. रेडी रहना आप लोग, और इस चैप्टर को और अच्छे से अंडरस्टैंड करेंगे आप लोग, इसे रीड भी करेंगे. ओके, एंड चिल्ड्रेन, राइट दिस हैबिट्स इन योर नोटबुक, हाउ टू कीप योर क्लासरूम नीट एंड क्लीन. थैंक यू.